आज हम रॉम्पर का कटिंग देखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले नीचे की पैंट कट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको डबल फोल्ड में पेपर ले लेना है। इसमें अभी मैं पैंट की लेंथ लगाती हूँ। पैंट की लेंथ है, टोटल लेंथ 16 है, तो उसमें से 10 इंचेस मैं माइनस कर रही हूँ बॉडी लेंथ, और फिर आता है ये पैंट की लेंथ 6 इंचेस, ठीक है। 6 इंचेस लेना है, फिर ऊपर हमें 2 इंच का फोल्ड लेना है, ठीक है, जो कि फोल्ड होने वाला है। अब यहाँ से हमें लेना है, ये जो हमने 6 इंच वाला जो पॉइंट मार्क किया था, यहाँ से हमें 1/4 ऑफ वेस्ट राउंड प्लस 1 इंच, सेम अलाउंसेस हम इसी में ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1/4 आता है 4.5 प्लस 1 इंच, ठीक है, इस तरीके से लेना है। और ऊपर आपको सेम उतना ही लेना है, ठीक है, जितना यहाँ पर लिया है, और यहाँ पर 1 इंच और एक्स्ट्रा हमें लेना है, ठीक है, इस तरीके से, और इन दोनों को जॉइन कर देना है। नीचे अब हमें ये इस तरीके से बॉक्स रेडी कर लेना है। ये जो हमें पॉइंट मिला है, इसे डॉटेड लाइन से इस तरीके से जॉइन करके बॉक्स कर लेना है। अब हमें यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से 4 इंच नीचे की ओर आना है और एक पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। 4 इंच नीचे की ओर आके एक पॉइंट मार्क करना है और इन दोनों को मिला लेना है। रॉम्पर ये एकदम छोटे बच्चे का है, मतलब 5-6 महीने के जो बच्चे रहते हैं उसके माप का है, तो ये बहुत छोटा पैंट बनेगा। यहाँ से अब आपको 2 इंच पर एक पॉइंट मार्क करनी है और इन दोनों को डॉटेड लाइन से हमें जोड़ना है। डॉटेड लाइन से जोड़ने के बाद इसका सेंटर निकालना है, सेंटर पॉइंट लेना है, ठीक है। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे ऐसे 2 पॉइंट मार्क करने हैं। अब हमें ये शेप जॉइन कर लेने हैं फ्रंट एंड बैक की, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर आपका शेप एक जैसे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपकी सिलाई आएंगी तो एक जैसा रहना चाहिए, ठीक है। ये फ्रंट एंड बैक के दोनों हो गए हैं, अभी मैं ये कट कर लेती हूँ। इस तरीके से ये कट हो जाएगा। इसे सेंटर में से भी कट करके फ्रंट एंड बैक दोनों अलग अलग कर लेने हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रंट हो गया और ये बैक, ठीक है, इस तरीके से दोनों कट हो जाएंगे। अब हमें इसका फैब्रिक कट करना है। अब हम फैब्रिक का कटिंग देखेंगे। फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। हम सिंगल सिंगल कट करेंगे, फ्रंट का अलग और बैक का अलग, ठीक है। तो पहले फ्रंट का कटिंग कर लेते हैं। फोल्ड को फोल्ड की ओर रखेंगे इस तरीके से, एक दूसरे के ऊपर ठीक से रखकर इसे मार्क करके हम कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर 1 इंच थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पर हमें एटलीस्ट 1/4 इंच तो भी यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेकेट बनता है। रॉम्पर में जो ओपनिंग होता है वो नीचे साइड से होता है, क्रॉच वाली साइड से होता है, तो
तो इस वजह से यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये बढ़ा लिया है। ठीक है, इसे कट कर लेंगे। देन बैक की कटिंग मैं इस साइड करूँगी। सेम इसे भी इस तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ और यहाँ पर बैक रख कर मैं ये कट कर लूँगी। ठीक है, इस तरीके से आपको फ्रंट एंड बैक दोनों कट कर लेना है। इस तरीके से आपको बैक का भी कटिंग कर लेना है। ओके, अब ऊपर का बॉडीज का कटिंग कर लेते हैं। ऊपर का बॉडीज हमारा आता है 10 इंचेस का। 10 इंचेस में से हम 3 इंचेस नेक के जो लेंथ है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, हम बॉडीज ओनली स्क्वायर में कट करेंगे, जैसे जंप सूट में वगैरह होता है वैसे। तो मैं यहाँ पर 10 इंचेस में से 3 माइनस किया, 7 प्लस 1 इंच। ठीक है, यहाँ पर 1 इंच का मैं मार्किंग लगा देती हूँ 8 इंच पर। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको 1/4 ऑफ चेस्ट राउंड प्लस 1 इंच करना है। ठीक है, तो चेस्ट राउंड का 1/4 आता है मेरा 4.5, अगर उसमें 1 इंच ऐड किया तो 5.5, 5.5 इंच पर ये ऐसे आपको एक स्क्वायर लगा लेना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें ओनली ऐसे स्क्वायर कट करना है और इसका अस्तर भी हमें कट कर लेना है। ठीक है, कुछ शेप वगैरह लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से ये कट कर लेना है। सेम इसका अभी मैं अस्तर कट कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें 2 पट्टियाँ कट करनी पड़ेंगी। इसके लिए लंबाई में आपको 12 इंचेस लेनी है और चौड़ाई में आपको 3 इंचेस के ऐसे 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है। ठीक है, इतना कट होने के बाद फिर हम स्टिचिंग कर लेते हैं अभी।